चलिए हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और जल्द अज जल्द इसका फिर यहाँ पर बाजार का आगाज करेंगे। आवाज भी है, नुक्ते अंजाम भी हैं, कल की उम्मीद भी हैं, आज का पैगाम भी है। मैं दावा दे रहा हूं जनाब सैयद खालिद शहबाज को कि वो इस्तक़बालिया कलिमात से आज की इस तकरीब का बाजार का आगाज करें। जनाब सैयद खालिद शहबाज, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ सदर महफिल जनाब सैयद बखारुद्दीन साहब का, इनकी सदारत में आज का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। मीडिया प्लस और गवाह उर्दू वीकली की जानब से मैं हाई कमिश्नर टू सेशंस डॉक्टर रौसा सईद साहब को नजराने गुल पेश करें। जनाब शकील मिर्ज़ा डॉक्टर रौसा सईद को नजराने गुल पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु रसूलल्लाह रसूलुल करीम अब एहतराम जनाब सैयद खालिद साहब हमारे दोस्त मगर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर आसफ सईद साहब हैदराबाद के लिए कई तारीख मुरतब करने वाले और लाखों मरीजों को एक नई ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से देने वाले पद्मश्री डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब, बैक वक्त तमाम महकमों के लिए अजमत इस्मत प्रोफेसर एस ए शुक्र साहब, मेरे दोस्त डॉक्टर शुरुद्दीन राशिद शकील मिर्ज़ा और मैदान सहाफत में मुझे लाने वाले बाखर मेरा साहब और हमारे करम फरमा डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब, डॉक्टर अकबर अली खान साहब, फारूक सईद साहब और फर्दन फर्दन जनाब मुश्ताक सोहेल साहब, सच कहने की बचपन से ताकीद की जाती है, बाप घर में बैठकर बोलता है बेटे से, बेटे कह दो पापा घर पे नहीं है, फिर बच्चा झूठ बोलता है तो उसे सजा दी जाती है। एक अजीब से माहौल में हर बच्चे की परवरिश होती है, झूठ से बचने की तलखीन दी जाती है, मगर जो माहौल में हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वो झूठ का माहौल होता है। सच कहना बहुत मुश्किल होता है, बार बार कहा गया सच कहो, सच कहना जहाद है, मगर तजुर्बा है जब जब हमने सच बोला रिश्ते टूटे, दोस्तियां दुश्मनियों में बदल गई, लोगों ने मिलना छोड़ दिया, मगर सच बोलने और लिखने से जो दिल को सुकून मिलता है वो शायद सारी दुनिया में खरीद कर भी नहीं मिल सकता। अल्लाह का लाख लाख एहसान उसका शुक्र है
तो उसमें लिखने की सलाहियत थी, लिखने का मौका दिया और शुरुआत रहनुमा दत्तन से हुई। रहनुमा दत्तन के बच्चों के सफे से, रहनुमा दत्तन के बच्चों के सफे से लेकर उसके इंचार्ज जरीफ तक अल्लाह ताला ने मौका दिया। इस माहौल में जहां आप बैठे हैं, यहां कई हम शरीक हुए, बड़ी ख्वाहिश थी कि इस लाल में मेरी भी कोई तकरीब हो। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स आते हुए भी हमने प्रवास शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 बरस पूरे कर चुका है और 18 वर्ष के दौरान हजारों आर्टिकल्स लिखे गए, लगभग 1200 इदारे लिखे गए, जिसमें से 125 को मैंने किताब में शक्ल दी। ये इदारे सच तो अगर कहने तो गलवान से है, ये सच तो अगर कहने तो क्या है, शेर है, काट देना जुबान मेरी, सच तो अगर कहने तो चुप रहा तो मेरा एहसास भी मुझे कोसेगा। सच क्या है जो मैंने इदारे लिखे, छोटे छोटे वाकया थे, कोई फायदा हुआ, किसी नुकसान हुआ, कोई हादसा हुआ। पहले मैंने जो हम रेगुलर पढ़ते थे, आज उसको जो है किताब की शक्ल में, वो भी ऐसी मौजूद हस्ती से, डॉक्टर अवसाफ सईद साहब के हाथों से इजरा हो रहा है। यकीनन मैं समझूंगा कि ये किताब की खुशकिस्मती है या किताब लिखने वालों की। हम वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब हम डॉक्टर अवसाफ सईद साहब के, जिस वक्त वो काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया थे जिद्दा में, वो दिन कभी हम जिद्दे वाले क्या सारे इंडियन कम्युनिटी वाले जो सऊदी अरब में मुफ्त में नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से मुशायरों को जो है फ़रोग मिला, उर्दू को फ़रोग मिला। छोटे छोटे प्रोग्राम भी अगर हम करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब जो है ना बिला रोक टोक हमको इजाज़त देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पर देखने के बाद बहुत खुशी हुई कि जो है ना, और हम दोबारा सऊदी अरब में उनको एम्बेसडर की हैसियत से देखना चाहते हैं। आप लोगों से भी दुआ है कि दुआ करिए कि रक्षा फिर दोबारा अर्ज हिजाज पर आए। मैं डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब की किताब के तालुक से यह कहना चाहूँगा कि जो है ये किताब जो है ना बेशक जो है ना अरब दुनिया में भी बड़ा नाम निकालेगी। गवाह जो वीकली पेपर है, काफ़ी नशों में फ्रांस देखा है और आज जो है ना आबो ताब के साथ हैदराबाद दक्कन की जो है ना, न सिर्फ हैदराबाद दक्कन बल्कि जो है ना दुनिया के कोने में इनका ये पेपर छाया हुआ है। इनके ताल्लुक से और डॉक्टर औसफ सईद साहब के ताल्लुक से मैं एक शेर अर्ज करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। वो ये है कि है बयां सबसे अलग, तर्ज बयां सबसे अलग, सारे दास्तानों में है तेरी दास्तान सबसे अलग। वो आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मुमताज माहिर तालीम और समाजी एहतियात जनाब जफर जावेद साहब से, कि वो तशरीफ लाएँ और इस मौके पर अपने तासुरात पेश करें। जनाब जफर जावेद साहब, वो सैयद खान साहब साहब शुक्र साहब आज के जलसे के नौशा फाजिल हुसैन परवेज साहब और मोजेस आजमी बेन साहब, ये मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है कि आज इस रस्म इजरा के जलसे में शिरकत का मौका दिया गया। जैसा कि फाजिल हुसैन परवेज साहब ने भी बताया, मैं काफ़ी लंबे अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह परवेज साहब से वाकिफ हूँ और इन्होंने कई किताबें लिखी और एक ताजुब की बात यह है कि 14 महीने में तीसरी किताब का जो है सदर एक्सलेंसी डॉक्टर औसफ सईद साहब, जनाब सैयद बखारुद्दीन साहब, जनाब जफर रवि साहब, प्रोफेसर शुक्र साहब और अजहर सैद साहब परवेज और अकाबरी ने दफ्तर और अकाबरी ने मिलत और मेरे दोस्तों, जैसा कि आज की महफिल का किताब की तरह ये तो है सच तो मगर कहने दो, इस अनुमान से सिर्फ मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ। अगर इंग्लिश में इसकी तर्जुमानी करें तो शायद किसी ने कहा है कि इफ गेट ए ब्यूटीफुल पाथ लुक वेरी नीड्स टू, इफ गेट ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन डोंट लुक व्हिच पाथ नीड्स टू।
जैसा ये कहते हैं कि एक खूबसूरत रास्ता आपको चल के पता नहीं कहाँ ले जाएगा, आप उसके रास्ते पर चलने से पहले बहुत सोचना चाहिए कि रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, लेकिन आपको किसी खूबसूरत मंजिल नज़र आती है तो आप रास्ते की दुश्वारियों को और तकलीफों का एहसास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। मैं समझता हूँ डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन साहब ने पिछले अपनी सहाफत के इस दौर में जो शायद 17 साल से ज़्यादा का से इस कोशिश से वापस कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इस किताब पे सच तो मगर कहने दो। इस सिलसिले में मैं दो बातें आपकी गुजारिशें करना चाहता हूँ, बहुत ही मुख्तसर, एक सब आपके लिए एक दूसरी बात दे रही थी। पहली बात तो यह है कि किसी एक शागिर्द का किसी उस्ताद के पास कुछ दिन क़याम हुआ तरबियत हासिल करने के लिए। कई दिन की तरबियत के बाद उस्ताद ने कहा कि आपकी तरबियत अब मुकम्मल हो चुकी है, आप जाइए और समाज की खिदमत करिए, लोगों की खिदमत करिए और लोगों तक पैगाम पहुँचाइए और इल्म बांटने से पड़ता है, लोगों तक इल्म बांटिए। तो शागिर्द के वहाँ से निकले, जरा आगे बढ़ने लगे तो थक गए थे। थकने के बाद वो किसी पेड़ से टेका लेके लेट कुछ देर आराम करना है, जैसे आराम करें उनकी आँख लग गई। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा उनकी नज़र एक दख्त पे लगी पड़ी जहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। तो चिड़िया के घोंसले में उन्होंने देखा कि चिड़िया के घोंसले में नवजात बच्चे हैं और चिड़िया खुद उठती है, जाके अपना दाना लेती है और आके अपने अपने चोंच में दाना लाके उस बच्चों को खिलाती है। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह रज़ाक है, यह हमारा ईमान है, जब चिड़िया के उन नवजात बच्चों को जो उड़ने के काबिल भी नहीं है, जिसमें कुव्वत परवाज़ भी नहीं है, उनका रिज़्क वहाँ तक पहुँच सकता है, तो मैं दुनिया में काम करके अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय मैं इल्म की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करूँ और इसकी रोशनी दूसरों तक पहुँचाऊँ इल्म को। इन्होंने इरादा बदला और वापस अपने दोस्त उस्ताद की सोबत में पहुँच गए। उस्ताद इस वक्त इबादत में मसरूफ़ थे, जब उन्होंने इबादत से फरागत हासिल की तो उसने देखा कि कहा कि वापस क्यों आए, मेरी तो नसीहत थी कि आप जाइए समाज में, मतलब जो आपने इल्म हासिल किया है लोगों तक उसको पहुँचाइए और इल्म बांटिए लोगों तक पहुँचाइए। उन्होंने कहा कि मैंने जाते जाते एक ऐसा वाकया देखा कि बस चिड़िया के बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं और जो खुद कुव्वत परवाज़ भी नहीं रखते हैं, तो मैं समझा कि अल्लाह रज़ाक है, उन बच्चों तक भी अल्लाह रिज़्क़ पहुंचा रहा है, जरिया बनाया किसी ना किसी को। तो उस्ताद ने कहा कि मेरी तालीम शायद आप मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए, मेरी तालीम ये है कि आप उस मामले से इनको सबसे पहले मैं बार बार पेश करना चाहूँगा कि वो जो छठी किताब छप रही है और फाजिल हुसैन बहुत पुराने फ्रेंड है, जैसा उन्होंने कहा 79 से जो है हमारी फ्रेंडशिप है और वो फ्रेंडशिप जैसे जैसे साल गुजरता रहता है उस फ्रेंडशिप पर के स्ट्रांग होती जाती है। तो फाजिल साहब आई वुड लाइक टू ऑल्सो कंग्रेचुलेट, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब का पद्मश्री और जो उन्होंने तफसील से जो भी बताया कि यूनानी मेडिसिन के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है और रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उसके बारे में कुछ आपसे थोड़ा सा कहूँगा भी कि यूएसए में मैं जब काउंसिल जनरल था शिकागो में इसमें क्या काम हुआ, जनाब प्रोफेसर रसी शकूर साहब डायरेक्टर सेक्रेटरी गुडको अकेडमी, नाइस टू बी विद यू, मेरे पुराने दोस्त और बहुत ही क्लोज जफर जावेद साहब, वो भी बहुत अच्छे से उनसे ताल्लुक थे और तमाम जो यहाँ बहुत ही मतबर शख्सियात मौजूद है, खास करके
सलाहुद्दीन मेयर साहब यहाँ मौजूद है, जो हमारे वाले साहब के दोस्तों में से है, मुझे बहुत सुनने की बहुत खुशी हुई। आबिद मोई साहब है और बहुत सारे लोग हैं, तो प्रदन प्रदन का नाम तो लेना बहुत मुश्किल है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट ऑल ऑफ यू। दूसरी मरतबा है फाजिल ने मुझे अपनी किताब की इजराए के लिए मुझसे जो है रिक्वेस्ट की, और फाजिल जब कहते हैं तो जितनी भी मसरूफियात हो वो मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन फाजिल के लिए मेरे लिए वक्त हमेशा ही होता है। इसमें एक चीज़ जो सबसे मुझे अट्रैक्ट की वो है कि सच तो मगर कहने दो उनवान, टाइटल इटसेल्फ इज वेरी वेरी कैची और वेरी अप्रोप्रिएट। आजकल के पस मंजर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें कि एक डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल बहुत अहम होता है, और वह सबसे बड़ा रोल अहम जो ये होता है कि आप एक सोसाइटी को गाइड करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हर जर्नलिस्ट का समझे उसके हाथ में जो कलम है वो कलम कितनी ज़्यादा अहमियत है कि आप अगर कलम को ना बिकने दें और कलम की जो है आवाज़ इतनी होती है कि तलवार से ज़्यादा आप कलम से जो है सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। और वही मैं देखता हूँ कि फाजिल हुसैन परवेज, जब से शुरुआत से ही मैं उनके जब पासपोर्ट ऑफिस में था तब ये रहनुमा दखल में लिखते थे, और तभी से मैं देखता हूँ कि बहुत ही बोल्ड तरीके से लिखते हैं, और यही चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया ना सिर्फ इन्फॉर्म करता है लोगों को क्या हो रहा है हालात जो हाजरा के बारे में या जो भी हो, एजुकेट करना था करता है व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, एक किस्म की एक रहनुमाई होती है सोसाइटी को मोल्ड करने में, सब यू नो जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है, और ख़ास करके उर्दू जर्नलिज्म। बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म नहीं है कि हिंदुस्तान में बंगाली के बाद सबसे पहले जो अखबार छपा लैंग्वेज में उर्दू था 1822 में, तो वी गो बैक सो मेनी ईयर्स, और जब 1857 जनाब सैयद बुखारुद्दीन साहब, मैंने इसलिए कहा कि बुखारुद्दीन साहब की मौजूदगी मेरे लिए फायदे से फख्र है। उनसे पहले मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं उनका इतना अदब और एहतराम करता हूँ कि उनके बाद बात करने में मुझे हिम्मत नहीं होती थी, इसीलिए सैयद बुखारुद्दीन साहब, हिज एक्सलेंसी डॉक्टर औसाफ सईद साहब, जनाब जफर जावेद साहब, पद्मश्री मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब, डॉक्टर शुजात अली राशिद साहब, और आज की मरकती शख्सियत डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब, मौजूद हाजरीन इजलास, हम जिन लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं या जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उनके बारे में बात करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये सोचना पड़ता है कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ पर ख़त्म की जाए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आज मेरा भी हाल वही है, मैं डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब को तकरीबन 35 साल से मैं वाकिफ हूँ, और मेरी दोस्ती तो मैं कह नहीं सकता मेरे सीनियर है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे सीनियर रहे हैं, और 1982 से मैं फाजिल हुसैन परवेज साहब को शख्सी तौर पर वाकिफ हूँ जब से, और मैं इस बात का भी इंकशाफ करना चाहता हूँ, वो जब भी मेरा तालिब इल्म का जमाना था और वो रहनुमा में काम किया करते थे, जैसा कि अभी डॉक्टर शुजात अली राशिद साहब ने मेरे बारे में कहा कि रोज अखबारात में मेरा नाम आता है हमेशा, तो उस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पहली मेरी तस्वीर रहनुमा में दक्कन में फाजिल साहब ने शाही की, पहली तस्वीर मेरी जब मैं निज़ाम कॉलेज का फाजिल साहब एक मिनट फाजिल मैं निज़ाम कॉलेज का इलेक्शन जीता 1983 की बात है, तो सेक्रेटरी बना तो मैं सीधा रहनुमा दक्कन के ऑफिस गया मेरी तस्वीर की शाद के लिए, तो पहली तस्वीर फाजिल साहब ने मेरी रहनुमा दक्कन में शाही की, उसके बाद तो सिलसिला जारी है और आज तक जारी है, और कभी झूठ नहीं बोलते, तो आज का वही उनवान उनका है कि सच तो मुझे कहने दो, और मैं कहता हूँ कि आप सच ही कहते, कहने दो की बात नहीं है, आप कहते ही हैं सच, तो क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि मोबाइल आने के बाद हम इतना झूठ बोल रहे हैं,
कि सच की कोई गुंजाइश ही नहीं। आज का ही एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अभी हजरत में बैठा था, तो शायद औसत से इस वाकफ नहीं है, मैं हजरत हज कमेटी का स्पेशल ऑफिसर भी हूँ मैं, तो बैठा था एक साहब, आज आखिरी तारीख है, पासपोर्ट के लिए आए मेरे पास, तो फौरी उनका जो है सेल फोन में बेल हुई, वो फौरी उठाए फोन, उठा के बोले भाई एक मिनट में नंबर दे मैं बात में बात करूंगा। तो इतना हम झूठ बोलने के आदि हो गए सेल फोन की वजह से, अब सच क्या है वो भूल ही गए हम लोग। मैं गालिब साहब गालिब का एक वाक्य सुना के सुनाऊंगा सच के बारे में। एक मरतबा गालिब के पास एक उनके दोस्त आके उनके मकान पर दस्तक दिए, तो गालिब साहब के लिए तो उनका नौकर आया, तो गालिब साहब की बीवी से गालिब साहब ने कहा कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो उनकी बीवी ने नौकर से कहा कि कह दो कि गालिब साहब घर पर नहीं। नौकर गया और उनके दोस्त से कह दिया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा दोस्त आया, तो नौकर धीरा गालिब साहब के पास आया, तो गालिब साहब ने कहा कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो ताजुब से ठहरा रहा, तो गालिब साहब ने कहा मेरी बीवी के बात पर भरोसा है और मेरी बात पर भरोसा नहीं। तो इस तरीके से सच की जो है आज बड़ी मुश्किल काम है। फजल उद्दीन परवेज साहब की ये किताब से तो मुझे कहने दो, मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूल होगी। और इन्होंने 14 महीने में 4 किताबें नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 14 महीने में ये 24 किताबें भी लिख सकते हैं। मैं इनसे इतना वाकिफ हूँ। अब कई इदारे इन्होंने लिखे अपने तालिब इल्म के जमाने से, वो कई रसायल से उनका ताल्लुक था, कई रसायल के वो एडिटर थे, कई अदबी मिसालों के एडिटर रहे और कई अखबारात से वाकिफ रहे, खासतौर पर रहनुमा दक्कन से, इसके अलावा और दूसरे अखबारात से भी। जनाब प्रोफेसर एसएस शुक्र साहब, जनाब श्री डॉक्टर अमरुद्दीन भाई साहब, जनाब जफर जावेद साहब, जनाब रुआतुल जनाब साहब, मोसिस हजरा, मुझे अफसोस है कि मैं आज इस किताब के इजरा के मौके पे हूँ, मगर मैंने किताब नहीं पढ़ी मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से। मगर एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने सरसरी जायजा लिया उन्होंने आपका, यकीन मानिए ऐसा लगा कि मौलाना लिखा है किताब, परवेज ने लिखी मौलाना लिखा। और ये किताब ऐसी है कि हर मुस्लिम लड़के और लड़की को पढ़ना चाहिए। इतने अच्छे मौजूद के उन्होंने किताबें लिखे हैं, मुझे बड़ा ताजु हुआ कि ये सब्जेक्ट पे भी वो इतना अच्छा लिखते हैं। अब ये जो किताब निकाले हैं सच को मगर कहने दो, ये शख्स कभी झूठ बोला ही नहीं, तो कौन रोका है कभी दे रोका। और मैं कबों के नीचे देख रहा हूँ उनकी सलाहियत को, ऐसे जर्नलिस्ट एक मुकम्मल जर्नलिस्ट है, चाहे फॉरन अफेयर्स पे काम कराइए, नेशनल अफेयर्स पे, लोकल अफेयर्स पे, इदारिया जिस पे चाहे दिखा दीजिए आप, माशाल्लाह एक पास आए। मैं पूरी कोशिश करा रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई, एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये शख्स ने तो आप सुनाए। अभी इनका अभी चोटी पे पहुँचने की बात अब आने वाली है इंशाल्लाह, जिस रफ्तार से जा रहे हैं अल्लाह चाहे तो और कामयाबी होगी। मैं आपका बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया। जो गुज़श्ता 6 साल के दौरान गवाह उर्दू विकल्प में शायर हुए हैं, उसमें हर एक मौजू पर मजहब अदब इनफरादी शख्सियात साइंस हर एक मौजू पर जो है उस पर जो है दरिए शाया किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये गवाह में शायर हुए बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शायरने वाले 40-45 दूसरे अखबारों में भी शायर हुए। और ये हमारे खारिन के असरार पर किसी किताबी शक्ल दी गई है, वैसे अभी तक गवाह में तकरीबन 900 इदारे छपे हैं, उसमें से मैंने 125 इदारियों का इंतखाब करके किसी किताबी शक्ल दी है। मशहूर जो आर्टिस्ट फवाद मुगनत की एक पेंटिंग है जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में है और हिंदुस्तान में उसकी वैल्यू 6.5 लाख रुपये है, इतफाक़ से
इस पेंटिंग में नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि सच का मगर कहने दो मेरी किताब को उसका चेहरा मिल गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपने टाइटल के लिए उसका सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है और इंशाल्लाह इसे दूसरी ज़बानों में भी इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। आज जो फंक्शन हुआ है मेरे कॉलेज के साथी डॉक्टर औसफ सईद उसमें शरीक हुए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। रहन मतकद के चीफ एडिटर मालिक जनाब खालिद साहब ने सरपरस्त की, रहनमा दक्कन से ही मेरे करियर का आगाज़ हुआ और सच लिखने सच बोलने की हिम्मत हौसला या जो जज्बा पैदा हुआ रहनमा दक्कनी की बदौलत हुआ, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम सहाफत बरदरी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मोहब्बत से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया।